जैसे रेल की दो पटरी होती है, भक्ति की भी पटरी है। भक्ति की एक पहली पटरी है साधु संग, साधुओं का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ये कथा भी जैसे मैंने एक दिन पहले कहा था, ये संतों का संग ही है, भक्तों का संग ही है, समूह जहाँ बैठता है वो भक्तों का संग है, तो साधु संग होना। दूसरा शास्त्रों का संग, शास्त्र पढ़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा है गांव में मैया बहन कोई ऐसा नहीं पढ़ सकती है तो बाल बच्चों से पढ़वा के सुने, या फिर टीवी मोबाइल के माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे सत्संग कहीं से मिले तो वो श्रवण करे, पर शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी भक्ति की पटरी क्या है सबसे बड़ी, ले ये तो अपनी ओर से किए गए प्रयास है, तीसरा है गुरु कृपा। ये तीनों मिलनी चाहिए, तीनों थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अब इसमें एक भी कम रह गया तो पटरी से ट्रेन फिसल जाएगी। शास्त्र मिल गए, कई लोग बोलते हैं अरे हम तो बड़े पढ़ लिख गए अब हमको गुरु की क्या जरूरत, हम ही सबके गुरु हैं, वो अपने आप को ही सबका गुरु समझ लेते। नहीं भाई, ऐसा नहीं। गुरु का स्थान अलग होता है जीवन, गुरु का स्थान अलग होता है, गुरु का स्थान भगवत स्थान से कम नहीं होता है। भगवान की जो जगह होती है ना वही स्थान भगवान गुरु का है, भेद नहीं। हाँ गुरु दावा नहीं करेगा, गुरु तो हमेशा अपने आप को कहेगा मैं भगवान का दास, मैं भगवान का दास। गुरु दावा नहीं प्रस्तुत करता है। अगर कोई गुरु दावा प्रस्तुत कर रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का ये हूं, ये मेरे पास शक्ति है, तो समझ लो कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जब भी कहेगा वो कहेगा उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। तो इसलिए गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है, खेल नहीं है गुरु बनाना। मौज पड़ी तो आज इनको बना लिया, मौज पड़ी तो कल उनको बना लिया, आज इनसे मंत्र ले लिया कल उनसे मंत्र ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है। जो गांव में कथा बांचने आया हर साल नए नए व्यास आए, नए नए गुरु बनते चले गए, ऐसे नहीं होता। गुरु जीवन में एक बार होता है, एक बार गुरु बना, और एक बार बनाने के बाद फिर कुछ भी हो जाए उनके वाक्य पर उनके वचन पर पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाने की कोशिश कर, जितना निभा सकते हो, जितना निभा सकते हो उतना निभाने की कोशिश। और गुरु आपसे और ज़्यादा वचन चाहता ही नहीं, वो ये तो कहेगा नहीं कि करोड़ों रुपया मुझे दे जा, वो बस इतना कहेगा तुझे तेरा कल्याण करना तो भगवान का नाम कर, जाप कर।